नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म्स बड़ी में और मैं संकेत रस्तोगी कैमरामैन केपी के साथ। आज हमारे बीच पधारे हैं बैरागी जी। नमस्ते। तो आइए बैरागी जी, जानते हैं आपके बारे में, आप अपने बारे में दो शब्द कहें। दो शब्द में कैसे हम कुछ कह पाएंगे यार काजी, वो मजली मजाक कर रहे हो, मतलब दो शब्द में कोई अपने जीवन के बारे में कैसे बता सकते। दो शब्द लो, कह दिया दो शब्द, हो गया दो शब्द। नहीं, दो शब्द इतना बड़ा जीवन, 25-30 साल 22 साल का करियर हमारा, दो शब्द में कैसे कहेंगे यार। बैरागी जी मेरा वो मतलब नहीं, नहीं मतलब क्या आप कहिए, आप दो शब्द मत कहिए, आप पूरा कहिए। मैं कुछ मुहावरे बोल रहा हूँ। मुहावरे, मुहावरे का मतलब पता, हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं, भोजपुरी के बारे में आप कुछ जानते नहीं। मुहावरे, मुहावरे का मतलब बताइए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब बताएंगे आप। जिसको नाचने ना आता उसका आंगन टेढ़ा होगा। ये देखिए, ये है ऐसे लोग संचालक बन जाने जिसका कोई हद तो हिसाब नहीं। आपको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, बेसिक ज्ञान नहीं है आपको, आप कैसे यहाँ चले आए। अरे आप छोड़िए वो सब बातें, बीपी की दवा नहीं खाए क्या? बीपी हमको बताइए, लौंडा मतलब भूखंडा मारे जाएंगे आप, भूखंडा मारे जाएंगे काम से आपके हमारे पास नहीं होगा। हाइपर मत, हाइपर हाइपर का बीपी हमको नहीं, आप क्या है, क्या आप संचालक है ना, तो कैसे आप जाएंगे, ब्लड प्रेशर हो गया। अरे ठीक है, हम MR है, छोड़िए उस सब बातों को, उस सब बातों को इसको उसको काट देना। हाँ तो बैरागी जी, काट देना। हाँ तो बैरागी जी, आइए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात कौन करता है, मुद्दे? अरे ये क्या, ये कौन सत्ता भाई बाबा सिर भाई का है, मुद्दे बात करते क्या चैनल की, क्या चैनल पूरे प्रदेश के, पूरे भारत की जनता आपके चैनल। अरे माइक में बोलिए ना, माइक में, माइक, ये माइक, ये माइक है कोई, ये इसमें बोलिए, चलिए इसमें बोलिए। कैमरामैन नहीं सही, लाइटिंग नहीं सही, आप खुद नहीं सही, माइक भी नहीं सही, घटिया क्वालिटी में, घटिया क्वालिटी का चैनल बना के रखिए। आप कहाँ जा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, मुद्दे की बात, टॉपिक, टॉपिक, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक आपका, बताइए कौन सा टॉपिक है। अरे हमारे शहर की स्वच्छता के बारे में, शहर की स्वच्छता के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप, आपका तन बदन और मन साफ नहीं है, शहर की स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। हर कोने हर गली में कचरा पड़ा है, कुत्ते घूम रहे हैं, लल्ला जैसे लौंडे कुत्ते पाल रहे हैं, शादी भी कर ले रहे हैं, और आप कह रहे स्वच्छता, हर चौराहे पे लौंडो देखो लाइन से मुद्दे खड़े नजर आएंगे, रेलवे पटरी किनारे लाइन से लोग लोटा लेके बैठे, कहाँ गया स्वच्छता अभियान, कहाँ गया प्रधानमंत्री शौचालय योजना, कहाँ है सब कुछ। तो देखिए दर्शकों, हमारे बैरागी जी कितने क्रोधित हैं इन सब बातों पे, तो आगे कुछ और जानते हैं उनसे। तो बैरागी जी बताइए हमारे दर्शकों को कुछ और चीजें बताइए, कुछ निम्न टिप्पणियां। निम्न टिप्पणियां क्या, लोग घर से कूड़ा बहा देते, मटर का छिल, मटर सीजन चल रहा है जैसा कि आप लोग जान रहे, मटर छीले दाना अंदर छिलका बाहर, क्या क्या मतलब। हम कहना ये चाह रहे हैं, आज तो ऐसे सर्दियों का मौसम और मटर का सीजन भरपूर मात्रा में लबालब तरीके से ठेले पे गजा मिलेगा मटर आपको, सब्जी मंडी में निकल जाइए, जितना कोई और सब्जी में होता है क्या, खांची लोग मटर खरीदते हैं इससे, मटर का, मटर से बात हम बता रहा, पहली बात पूरा सुनिए, बीच में टोका टाके तो बात को बंद करके चले जाएंगे तुरंत यहाँ से। तो मटर लोग छील रहे हैं, दाना अंदर छिलका बाहर, मुरई खा रहे हैं, तो खिचड़ी का त्योहार तो कल आप जैसे जानते हैं, मकर संक्रांति का महापर्व जो हमारे शहर में बहुत ही विशालकाय स्तर पर मनाया जाता है, उस दिन लोग शाम को मूली खरीदे, मूली अंदर छिलका बाहर, मतलब ऐसा क्या है, छिलका खा लेंगे तो क्या उनको दिक्कत जाएगी? नहीं नहीं, उसको फेंकना है, तो सरकार नीला और हरा दो प्रकार का कूड़ेदान प्रवाहित कर रही है, नीले में सूखा, हरे में गीला, उसमें मटर ले जाके प्रवाहित करिए, घर के पिछवाड़े फेंक देंगे। और तो और कुछ लंबे ऐसे जो 3 रुपए का प्रोडक्ट खाएंगे 5 बार थूकेंगे उसको, 1 रुपए का जी आपका मतलब मसाले से, जी मसाला नहीं, मसाला कहते हैं उसको, जीवन विनाशक मसाला है वो, बोलती थोड़ी है जो खा के आप हरे भरे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये बताए आप इन सब चीजों को कैसे, मतलब स्वच्छता का जो विषय है हमारा, स्वच्छता हमारा एक ऐसा विषय है जिसपे सबको सोचना पड़ेगा, जो नहीं सोचा हो गया, गई उसकी कहानी खत्म है, कहां ये जानना आपके लिए अति आवश्यक नहीं है, कृपया आप अपने कामों पर ध्यान दें, मेरे पर्सनल बातों पर ध्यान देने की कोशिश न करें, अन्यथा आप रद्दी ले जाएंगे। जी जी, तो आप ये बताइए कि आप इन सब चीजों को कैसे करते हैं। जी जी, हम देखिए ऐसा है, जब हम मटर का छिलका आते हैं तो मटर छिलके अंदर कर लेते, छिलका को एकत्रित करके एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें मटर के छिलके को डाल देते हैं और जितनी भी सब्जियों के तत्व होते हैं उसमें डाल देते हैं, उसको तो ढक देते हैं मिट्टी से, उसको 1 हफ्ता बाद कंपोजिट गाज बन जाती खाद। अच्छा अच्छा, उसको लेके गमले में डालते, फूल लहलहा होते हैं। अब गुटका पान मसाला से तो हमारा कोई तात्पर्य ही नहीं है, इससे लौंडो मन करता है इतना रगेत के मारे, इतना रगेत के मार दे, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, दवा से ज्यादा 5 थुका मिलेगा। बाकी आप बताइए, सरकार को कुछ और भी करना चाहिए इन सब चीजों के लिए।
सरकार को जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन ये आम नागरिक, आम जनता और हर एक मतदाता का हक है कि वो अपने बारे में सोचिए, अपनी स्वच्छता के बारे में सोचिए। अब सरकार आपको नहाएगी थोड़ी, आपके ठंडी पर अपना नहाए, वैसे आप लग भी नहीं रहे नहाए हुए, तो इसका क्या मतलब? सरकार आपको लाइफ बॉय थोड़ी प्रदान करेगी, काई रगड़ के घिस घिस के नहाए आपको। ये सबका कर्तव्य है कि स्वच्छता को सबका मतलब एक वसूल होना चाहिए कि हमको अपने आस पास, अपने घर में, अपने पड़ोस में स्वच्छता का एक ग्लो जो होता है ना, दीपक जलाना चाहिए स्वच्छता के तौर पर। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि वैरागी जी ने हमसे कहा और आप सबसे भी, वैरागी जी एक बार जरा आप एक अपना वो दे दीजिए दर्शकों से। हमारा अनुरोध है कि स्वच्छता को आप एक मुहिम बनाएं। स्वच्छता अगर नहीं रहेगी तो आपका तन, बदन और मस्तिष्क तीनों निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे आप अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अपनी स्वच्छता को बनाए रखें और इस स्वच्छता की दौड़ या भाग और रेस को आगे बढ़ाते रहें। तो दर्शकों मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मैं संकेत रस्तोगी। देवी और तुझमें एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, नाम हमारा बैरागी, हजारों लड़कियां साथ है भागी, कमर 36 काम 32, लेकिन स्वच्छता एक अभियान है। धन्यवाद बैरागी जी। तो मिलते हैं थोड़े से एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाय बिस्कुट खा के आएंगे, पॉलिथीन कूड़ेदान में डालिए।